Hello children, welcome to your new book by Brain Root, and this is Grammar Glitter Odyssey for grade 5. We are starting with chapter number 2. Aur chapter ka kya naam hai? This is the sentence. So we start with the chapter. To sabse pehle baat karte hain ki sentence kya hota hai. A group of words arranged in such a way so that it gives complete meaning. अगर कुछ आपके पास words हैं, हमने उनको एक अच्छे से order में arrange किया है जिससे उसका पूरा meaning clear हो रहा है, तो उसको बोला जाता है sentence. मैं आपको example देती हूँ. Our class for a picnic went last week. लेकिन अगर हमने इन words को rearrange किया तो उसकी सेंस बनेगी. यहाँ पर हमने लिखा आर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक. अब एक और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देखते हैं. फूड डोंट वेस्ट, इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही है. लेकिन अगर हमने लिखा डोंट वेस्ट फूड, तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो रहा है एंड दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. सो वॉट डू यू इंटरप्रेट? A sentence must always begin with a capital letter. और जब भी हम सेंटेंस का एंड करते हैं तो हमेशा फुल स्टॉप आना चाहिए. A question mark और an exclamation mark. या तो question mark होगा, फुल स्टॉप होगा, और नहीं तो exclamation mark होगा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एक सेंटेंस है. And always remember, a sentence must have a subject and a verb in order to express complete meaning. That means, हमेशा एक subject और एक verb sentence में जरूर होना चाहिए जिससे उसका meaning complete हो जाए. Now, we move further और हमारे पास कुछ combination of words दिए हुए हैं जिनको हम रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करेंगे. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर. द मूव्स अर्थ राउंड द मून. तो क्या चीज़ मूव करती है? मून. और किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड, राइट. सो वी से द मून मूव्स राउंड द अर्थ. That means हम ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और आपका इस तरह से rearrangement बनकर एक sentence बनेगा. Sentence जब भी start करेंगे first alphabet capital letter होगा, right? The moon moves round the earth. अब next sentence देखते हैं. Present for Diwali want what do you? So, you see, it is starting with what. और जो चीज़ what से start होती है, इसका मतलब question form हो रहा है. So, we write it like this. What present do you want for Diwali? Right? क्या लिखेंगे? What present do you want for Diwali? और उसके बाद हम question mark लगा देंगे. Coming to the next one. Cats loves brother is this my who? तो हम इसको कैसे arrange करेंगे? This is cat who loves my brother, right? This is cat who loves my brother. And यहाँ पर simple sentence बन रहा है तो इसलिए हम full stop put करेंगे. एक और sentence लेते हैं. Window out looking her Ria of was. तो इस collection of words से आपको क्या message मिल रहा है? Window से Ria बाहर देख रही है. तो हम sentence को Ria से start करेंगे, right? Ria was looking. तो सबसे पहले Ria आएगा, then we come at was looking third number पर, out 4 number पर, off 5 number पर, 6 is her and window is the last word. और उसके बाद आप full stop लगाएंगे. Got it? Now we come down. चलो हम 7 sentence लेते हैं.
यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, बिग कंट्री इंडिया इज अ राइट, तो हमने इंडिया से स्टार्ट करना है, राइट. इंडिया इज अ बिग कंट्री, गॉट इट. एंड दिस वे ट्राई द रिमेनिंग पार्ट्स योरसेल्फ. अब हम आगे चलते हैं. Now we are looking at certain words. So look at these group of words. Would you say that these are sentences? Read these words. In the rain, at the station, wearing a raincoat of wood, crossing the road. And yahan par aapko diya hai, without waiting for a moment. अब अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखें, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स पार्शियल सेंस. इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरी सेंस नहीं बना रहे हैं. सो दे आर नॉट कंप्लीट, दे डू नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे, और आपने ध्यान से देखा इनके लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ, ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ. सो वी से दे आर नॉट सेंटेंसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंटेंस का एक प्रॉपर रूल होता है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन से एंड होता है, राइट. सो रिमेंबर दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक पार्शियल सेंस आर कॉल्ड फ्रेजेस. तो हम इनको क्या बोलेंगे, फ्रेजेस. एंड अ फ्रेज मे नॉट हैव वर्ब. तो कुछ कुछ फ्रेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें वर्ब ही एग्जिस्ट नहीं करता. नाउ हियर वी कम टू एक्सरसाइज एंड वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विद फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स यूजिंग different forms of verbs. So we have the word to go, or to go ki yahan par hame different forms of verbs di hui hai, right. Aapne jo appropriate verb hai usko yahan fit karna hai. To sabse pehle hum dekhte hain first one, she just talks and talks and keeps going on everything, right. तो हम यहाँ लिखेंगे keeps going on everything. एक और sentence लेते हैं, they told him to shut up but he just kept going. हम यहाँ लिखेंगे he didn't stop, he kept going, right. Next is we will stop here. अभी आज की बात हो रही है, we'll stop here and then we'll take this, go on with it tomorrow. क्योंकि आज हम रुक रहे हैं और इसको हम कल लेंगे. So we'll take here, go on with it tomorrow, okay? And in this way, you will complete the remaining sentences. Now you have to make the sentences with these phrases. Bahut interesting activity hai, isko karenge for a minute. Ab for a minute ko use karke, aapne ek sentence banana hai. So children, wait for a minute. Dekho, ban gaya sentence. Yes, you boy, wait for a minute. I will wait for a minute. तो आप इस तरह से बहुत सारे different sentences एक phrase को use करके बना सकते हैं. Then a big red rose. This is one phrase. So my sister gave me a big red rose. Or you can make it, I gave a big red rose to my teacher, right? So even you can make a sentence like this. There is a big red rose in my garden. So children, in proper collection of words ko, jinhen hum phrases bolte hain, unko use karke aap different sentences bana sakte hain. So let's take one more. In the open air. I love to walk in the open air. I went for a morning walk in the open air, right? So this way, I want you to try more yourself. Let's move further with the next chapter. Till then, goodbye and keep watching.